नमस्कार, आज की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं संजना सिंह और आज के न्यूज बुलेटिन में आप देखेंगे अंजू नसरुल्ला समेत यूपी की 15 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी के वायरल और ट्रेंडिंग सेगमेंट की। यूपी में एक और पेशाब कांड, कासगंज में किन्नरों ने युवक का मुंडन कर पेशाब पिलाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। हरदोई में एक युवक की 2 सगी बहनों ने उसकी प्रेमिका की सरे रात जमकर धुनाई कर दी। बहनों का आरोप है कि महिला ने उसके भाई को प्रेम जाल में फंसा रखा है। कौशाम्बी में एक बंदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा। दरअसल पशु अस्पताल के गेट के पास सुबह एक बंदर आकर बैठ गया। लोगों ने देखा तो उसे चोट लगी थी। जानकारी के बाद बंदर का इलाज किया गया। कन्नौज के अहमदी टोला क्षेत्र में मुहर्रम पर एक ही पक्ष के 2 गुट के लोगों में जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलिया में एक महिला को सड़क किनारे अचानक उसका 10 साल से लापता पति मिल गया। पति को भिखारी जैसी हालत में देखकर वो उससे लिपटकर रोने लगी। अब बारी है यूपी की बड़ी खबरों की। अंजू के नसरुल्ला से निकाह के बाद उस पर महंगी गिफ्टों की बौछार हो रही है। पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने अंजू को 40 लाख का एक फ्लैट गिफ्ट किया है। गोंडा में ब्रिजभूषण सिंह मंच पर ही फफक कर रो पड़े। ये देखकर मंच पर मौजूद उनका पोता उन्हें शांत करवाने लगा। इसके बाद सांसद ने मेज पर रखा तौलिया उठाकर अपने आंसू पोंछे। कानपुर के मिशनरी स्कूल सेंट थॉम्स में जय श्री राम का नारा लगाने पर छात्र को टीचर ने पीट दिया। इस मामले को लेकर स्कूल में हंगामा किया तो प्रिंसिपल ने टीचर को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल पूरे मामले में जांच बैठाई गई है। अमरोहा में मुहर्रम के जुलूस में निकाला जा रहा ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इसके धमाके के साथ ताजिया में आग लग गई। इसके चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 52 लोग बुरी तरह से घायल हैं। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद अब उसके भांजे जका ने गैंग की कमान संभाल ली है। अभी हाल ही में उसने एक प्रॉपर्टी डीलर साबिर हुसैन से 10 लाख की रंगदारी मांगी है। अब बारी है यूपी की पॉजिटिव खबरों की। सीएम योगी कल यानी कि रविवार को 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आएंगे। सीएम यहां सोमवार को 9,25,00,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूपी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यूपी के 11 शहरों में योगी सरकार जल्द ही आवासीय योजना लाएगी। इसके तहत यहां गरीब और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए 20% अनिवार्य रूप से आवास बनाए जाएंगे। योगी सरकार यूपी में 12,000 नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाएगी। इससे प्रदेश के करीब 1,00,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। गोरखपुर के इंटरनेशनल यूथ क्लाइंबर नीतीश सिंह ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। 29 जुलाई के न्यूज ब्रीफ में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन की नई खबरों के साथ। धन्यवाद।